नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि लेकर आई हूँ। साथ ही प्रत्येक अध्याय के पाठ करने से किस तरह की फल प्राप्त होता है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ विधि विधान से किया जाए तो माता भगवती बहुत प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती तांत्रिक साधना, गुप्त साधना, मंत्र साधना और अन्य सभी प्रकार की आराधना का माध्यम है। इस काव्य का पाठ विशेष रूप से नवरात्रों में किया जाता है। यह अचूक फल देने वाला होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले और पाठ सुनने वाले सभी देवी की कृपा का पात्र बनते हैं। नवरात्रि में दुर्गा की पूजा के लिए यह सर्वोपरि किताब मानी गई है। इसमें माँ दुर्गा द्वारा दिए गए अवतारों की भी जानकारी प्राप्त की होती है। नवरात्रा के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए साधक विभिन्न प्रकार के पूजन करते हैं, जिनसे माता प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में 700 प्रयोग है, जो इस प्रकार है: मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200 और स्थवन के 200 और विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इस प्रकार इसे सप्तशती कहा जाता है। आइए देखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर से, कुछ में मंद और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ है, इसी तरह से देवी कवच उच्च स्वर में और श्री अर्गला स्त्रोत का प्रारंभ तो उच्च स्वर में होता है, परंतु समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र यंत्र मंत्र और तंत्र क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का ही एक हिस्सा माना गया है। आइए देखें संपूर्ण पाठ विधि। किसी विशेष प्रयोजन हेतु विशेष मंत्र से एक बार ऊपर तथा एक नीचे बांधना। उदाहरण हेतु संपूर्ण मंत्र मूल मंत्र एक और संपूर्ण मंत्र फिर मूल मंत्र दो, अंत में पुनः संपूर्ण मंत्र आदि। इसी विधि में अधिक समय लगता है, लेकिन यह अति फलदायी माना जाता है। अच्छा यह होगा कि आप संपुट के रूप में कोई भी अर्गला स्त्रोत का मंत्र ले लीजिए, या फिर जैसे बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दुर्गाए नमः ले ले, या ओम दुर्गाए नमः से भी पाठ कर सकते हैं। आइए देखें दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि। सर्वप्रथम साधक को स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए और स्नान करके आसन की शुद्धि क्रिया करके संपन्न करके अशुद्ध आसन पर बैठ जाए। माथे पे अपनी पसंद के अनुसार भस्म चंदन अथवा रोली लगा ले, शिखा बांध ले, फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। इस समय निम्न मंत्र को बोले: ओम एम आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें, फिर पवित्र स्थो वैष्णवयो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करते वक्त आप बोलेंगे: श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणपति शंकर जी का ध्यान करना है, उसके बाद हाथ में जो और चावल ले और दक्षिणा का रुपया रखकर देवी भगवती का ध्यान करें और संकल्प लें: हे भगवती माँ, और फिर अपना नाम बोले, फिर सब परिवार अपने परिवार के सदस्यों के नाम बोले, फिर गोत्र आपका गोत्र बोले, फिर उसके बाद स्थान जहाँ पे आप रह रहे हो उस स्थान का नाम बोले। पूरी निष्ठा समर्पण और भक्ति के साथ आपका ध्यान कर रहा हूँ, हे भगवती आप हमारे घर में आगमन कीजिए और हमारी सभी मनोकामनाएं, फिर आपकी मनोकामना बोले, लेकिन ये सब मन में ही बोलना है, को पूरा कीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ जप यानी माला का उतने ही संकल्प करें जितने 9 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और यज्ञ आदि यदि कर रहे हैं तो उनको भी बोलिए और फिर कहिए कि को मेरे से स्वीकार कीजिए। प्रतिज्ञा करने के बाद देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करेंगे। पुस्तक पूजा का मंत्र होता ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संततः नमः, नमः प्रकृतये भद्राये नियता प्रणता समतामह वारही तंत्र और चिदंबर संहिता में ये मंत्र दिया गया है। इसके बाद भगवती को प्रणाम करके फिर पीठ
यानी आसन सिंहासन जिस पे पुस्तक रखी जाएगी के ऊपर पुस्तक को विशेष विराजमान कराएं। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके लिए निम्न तरीका अपनाएंगे आप। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम ग्राम क्रीम चंडिका देवी शापाना शानु गुरु ग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जाप करें, यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जाप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी के उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप में के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है ओम हिम हिम वम वम एम एम मृत संजीवनी विधेये मृत मुत्थापायोत्थापाय किम हिम हिम व स्वाहा। इस प्रकार शापोद्धार करने के बाद भगवती देवी का ध्यान करके पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवती की पूजा करें। इसके बाद कवच अर्गला कीलक और रात्रि सूक्त का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया जाता है। कवच को बीज अर्गला को शक्ति और कीलक को कीलक की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का फिर अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी कवच रूप का बीज का अर्गला रूप शक्ति का और अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। अतः कवच अर्गला कीलक और रात्रि सुक्तम का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती के पाठों का अध्याय का पाठ किया जाता है। पहले दिन एक पाठ यानी प्रथम अध्याय का किया जाता है। दूसरे दिन 2 पाठ अर्थात द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ किया जाता है। तीसरे दिन फिर 1 पाठ चतुर्थ अध्याय का किया जाता है। चौथे दिन 4 पाठ यानी पंचम षष्ठम सप्तम और अष्टम अध्याय के पाठ किए जाते हैं। 5वें दिन 2 अध्याय के पाठ होते हैं, नवम और दशवम अध्याय के। 6ठे दिन 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। 7वें दिन 2 पाठ किए जाते हैं, द्वादश और त्रयोदश अध्याय के। और इस तरह से दुर्गा सप्तशती के 13 ही अध्याय के पाठ 7 दिन में होकर एक आवृत्ति सप्तशती की पूर्ण हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखें कि माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। दुर्ग शब्द से दुर्गा बना है। दुर्ग यानी किला और सप्तशती यानी 700। जिस ग्रंथ को 700 श्लोकों में समाहित किया गया है उसे उसका नाम सप्तशती है। जो कोई भी इस ग्रंथ का अवलोकन और पाठ करेगा माँ जगदम्बा की उसके ऊपर असीम कृपा होगी। दुर्गा सप्तशती के कितने अध्याय होते हैं वो देखें हम जरा। आइए हम देखते हैं दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय को किस नाम से जाना जाता है। पहले अध्याय का नाम है मधुकेटव वध। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का अवतरण और महिषासुर सेना का वध। तीसरे अध्याय में सेनापति सहित महिषासुर का वध। चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं के द्वारा देवी माँ की स्तुति। 5वें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी माँ की स्तुति और चंडमुंड द्वारा शुंभ के सामने देवी की सुंदरता का वर्तांत। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन का वध। 7वें अध्याय में चंडमुंड वध। 8वें अध्याय में रक्तबीज का वध। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध और 10वें अध्याय में शुंभ का वध की कथा हम देखते हैं। 11वें अध्याय में हम देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान देने की कथा हम देखते हैं। 12वें अध्याय में हम देवी चरित्र के पाठ की महिमा और फल की जानकारी देते हैं और 13वें अध्याय में हम सूरत और वैश्य को देवी के वरदान की जानकारी देते हैं। दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सी कामना की पूर्ति होती है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए देखें दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अलग अलग महत्व है। जिनका यदि भक्तिभाव से पाठ किया जाए तो बड़ा फल मिलता है, लेकिन लालच से किया जाए तो फल नहीं प्राप्त होता है। यदि किसी भी जातक को राहु शनि मंगल के बुरे फल मिल रहे हैं तो वे अध्याय पूरी क्षमता रखते हैं उनके बुरे दोषों को दूर करने में। हर अध्याय का अपना एक महत्व है। प्रथम अध्याय में हम हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए मन को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए तथा जिनकी चेतना खो गई है उसको एकत्र करने के लिए इसका पाठ करते हैं। द्वितीय अध्याय के द्वारा हम मुकदमे झगड़े आदि में विजय पाने के लिए यह पाठ करते हैं, लेकिन झूठा और अपने गलत किसी पर किया हो तो फल बुरा नहीं मिलेगा बल्कि आप खुद बुरे परिणाम भोगोगे। तृतीय अध्याय में शत्रु से छुटकारा पाने के लिए शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हो नुकसान का पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है
तो यह पाठ उपयुक्त माना जाता है। चौथे अध्याय में हम देखते हैं भक्ति शक्ति और दर्शन के लिए जो साधना से जुड़े होते हैं वह समाज हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं, उन्हें यह पाठ फल देता है। पंचम अध्याय के द्वारा हम भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए हर तरह से परेशान हो चुके लोगों से जो यह सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ वे यह पाठ नियमित रूप से करें। सप्तम अध्याय में डर शक बाधा हटाने के लिए राहु का अधिक खराब होना, केतु का पीड़ित होना, तंत्र जादू भूत आदि इस तरह के डर पैदा करता है, तो आप इस अध्याय का पाठ करें। सातवें अध्याय में हम कामना पूर्ण करने के लिए सच्चे दिल से जो कामना आप करते हैं जिसमें किसी का भी अहित नहीं होता, उस अध्याय का पाठ करते हैं हम। आठवें अध्याय में मिलाप और वशीकरण के लिए, वशीकरण गलत तरीके से नहीं अपितु भलाई के लिए किराया जा रहा है और कोई बिछड़ गया है तो यह असरकारी है। नवे अध्याय में हम गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना और पुत्र आदि के लिए, बहुत से लोग जो घर छोड़ जाते हैं या खो जाते हैं यह पाठ उनके लौटने का साधन बनता है। गुमशुदा दसवें अध्याय में हम गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना, पुत्र आदि के लिए, अच्छे पुत्र की कामना रखने वाले बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हो तो यह पाठ पूर्ण फलदायी है। ग्यारहवें अध्याय में हम व्यापार एवं सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, बेकार के कामों में नष्ट हो रहा है तो यह पाठ करते हैं। बारहवें अध्याय में हम मान सम्मान लाभ प्राप्ति के लिए, इज्जत जिंदगी का एक हिस्सा है, यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो यह पाठ करते हैं। तेरहवें अध्याय में भक्ति प्राप्ति के लिए, भक्ति के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ किया जाता है। इति श्री पुरुष। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म संस्कृति तीज त्योहार व्रत कथा रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी।